गाजियाबाद विधानसभा पर महंगाई, बेरोजगारी, सिलेंडर इतना महंगा कर दिया, ये विकास के मुद्दे रहे, सुरक्षा का मुद्दा रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं अंबुज उपाध्याय। उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है। पहले चरण में 10 फरवरी को गाजियाबाद के साथ साथ 11 जिलों में मतदान होने हैं और ऐसे में मैं इस समय पर खड़ा हुआ हूं गाजियाबाद विधानसभा पर। यहां पर वोटिंग चल रहा है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं सेंटर है पूरी, यहां पर पुलिस की व्यवस्था है जो कि लोगों से पहचान पत्र देख रही है, साथ ही साथ मोबाइल को अंदर नहीं लेकर के जाने की बात की जा रही है। आइए अंदर चलते हैं, अंदर किस तरीके का है आपको दिखाते हैं माहौल, किस तरीके से लोग वोट डाल रहे हैं। कोविड की किट यहाँ सैनिटाइज वगैरह रखा हुआ है। वोट डाल के आए, क्या मुद्दे थे? सुबह में कुछ भीड़ देखने को मिली। सर वोट डाला, क्या कहना चाहेंगे? वोट डाल दिया। क्या मुद्दे, मतलब क्या दिमाग में था, किस दिमाग वोट डाला? महंगाई जी, बेरोजगारी जी, और ये तेल के दाम जी, और इसके गैस के दाम, पेट्रोल के दाम और ये बिजली का बिल, ये ध्यान में रखकर डाला हमने। आपके क्या मुद्दे थे महिलाओं को लेकर के, मतलब क्या दिमाग में था जब वोट डाल रहे थे? पहली बात तो सिलेंडर इतना महंगा कर दिया। डाल दिया सर। कैसा रहा माहौल? माहौल बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। मुद्दे विकास के मुद्दे रहे, सुरक्षा का मुद्दा नहीं। विकास भी हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ है, सुरक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ है। आप क्या कहेंगे यहाँ पर जो माहौल है इस समय पर जो रहा है, पिछले सिटिंग एमएलए भी रहे हैं अतुलगर, कैसा रहा है यहाँ पर विकास? माहौल सही रहा है, विकास हुआ है, काफ़ी एक्सप्रेस हाईवे बने हैं, ईस्ट वेस्टर्न हाईवे बना है और सड़क है। सबसे बड़ी सुरक्षा का मामला है, गुंडे सब तौर से इस क्षेत्र की बात करूँगा, जैसे पानी की जो गाजियाबाद में दिक्कत। हाँ, हमारे यहाँ सब सड़क पानी वगैरह सब, गंगा जल वगैरह सब, सब कुछ सही से हो रहा है। सबसे ज़्यादा चोरी होती थी, यहाँ गाड़ियाँ उठती थी, वो सब बंद हो गई हैं। अभी सब पूरा माहौल सब बिल्कुल ठीक है, लोग घर से निकल के वोट डालने के लिए जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा बहुत अच्छा प्रतिशत रहेगा। सबके अपने अपने पर्सनल मुद्दे हैं, उनका कहना है कि किसी का, महिलाओं का कहना है कि महंगाई है और साथ ही महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डाला है। मैं अंबुज उपाध्याय अपने सहयोगी सौरभ के साथ जनभावना टाइम्स।